माननीय उपसभापति जी, मैं इस डिबेट में थोड़ा प्रेरित हुआ हूं कि मैं भी कुछ विषय लोगों के ध्यान में और हाउस के ध्यान में ला सकूं, क्योंकि ये जो नीट आया, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट 2018-19 में, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उस समय ये इनिशिएटिव लिया गया था। और मुझे इस बात की गौरव भी है कि स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उस समय मैं इस विभाग को देख रहा था। अब जब हम नीट की बात करते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, तो दिस रिलेट्स टू एडमिशंस इन द मेडिकल डिसिप्लिन, दैट इज़ MBBS, BDS प्राइमरली और हमारे BMS, इसको इस क्षेत्र को देखता है। आज हम चर्चा कर रहे हैं, जो मोहम्मद अब्दुल्ला साहब ने प्राइवेट मेंबर बिल लाए हैं और उसके बाद चर्चा चल रही है, उसमें से एक वातावरण इस तरीके का बनाने का विषय बन रहा है जैसे हमने स्टेट के राइट्स को का हनन किया है, जैसे बहुत बड़ा विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो रहा हो, जैसे इस तरीके की परिस्थिति हो गई है कि कुछ विशेष वर्ग के लोग मेडिकल एजुकेशन में आ रहे हैं। और प्राइमरली ये कि स्टेट के अधिकारों का हनन हुआ है, ये एक ध्वनि इसमें से निकल करके आती है। मैं रिकॉर्ड्स को स्ट्रेट इसलिए करना चाहता हूँ कि हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, वह उन्हें बहुत जिम्मेवारी के साथ देश की आवश्यकताओं को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, और हमारी जो मेमोरी है वो बड़ी शॉर्ट होती है, याददाश्त हमारी बहुत शॉर्ट होती है। हम भूल जाते हैं कि सही में मेडिकल एजुकेशन की स्थिति क्या थी। अब मैं शब्द ये नहीं बोलूंगा कि दुर्गति क्या थी। मेडिकल एजुकेशन एक बिजनेस का अड्डा बन गया था। मुझे बड़े दुख के साथ बोलना पड़ता है कि जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था और नीट ला रहा था, उस समय चर्चा इस बात की होती थी, सभापति जी आप आश्चर्य करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट की एक सीट 8-8 करोड़ में बिकती थी। कोई मेरी बात को झुटला के इस हाउस में बता दे कि मैं गलत बोल रहा हूं, 8-8 करोड़। और अगर रेडियोलॉजी जैसे डिपार्टमेंट में और डिसिप्लिन में अगर आपने जाना हो तो वह 12-13 करोड़ जाती थी। इट हैज बिकम ए ओपन बिजनेस, इट वॉज हैड बिकम ओपन बिजनेस। मेरी बात सुन ले, मैं ऐसे ही थोड़ी ना बोल रहा हूं, मैं कुछ तथ्यों के आधार पर बोल रहा हूं। इट हैड बिकम एन ओपन बिजनेस। और बच्चों का क्या हाल होता था, आज हम सब लोग बच्चों के रहनुमा हैं और रहना चाहिए और बोलना चाहिए। माँ बाप के साथ एक एग्जाम देने के लिए भुवनेश्वर जाते थे, एक एग्जाम देने के लिए वो चेन्नई जाते थे, एक एग्जाम देने के लिए वो तिरुवनंतपुरम जाते थे, एक एग्जाम देने के लिए वो मुंबई जाते थे, कहाँ कहाँ वो चक्कर नहीं लगाते थे। द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड, द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड, द अमाउंट ऑफ सिचुएशन एंड भयंकर करप्शन। आप ही बताइए, आपको किसी को एक स्टेट में भेज दे जिसके आप रास्ते तक नहीं जानते हो, उस मेडिकल एजुकेशन में क्या अंदर चल रहा है उसके बारे में वो बेचारा क्या जानेगा, कब जाकर देखेगा कि लिस्ट मेरी लगी कि नहीं लगी। ये दुर्गति थी ये हेल्थ के मेडिकल एजुकेशन के सिस्टम की, कहां वो जाके देखेगा कि। और लोग क्या कैसे करते थे, सभापति जी मैं बताना चाहता हूं, एडमिशन लिस्ट आधे से 45 मिनट के लिए लगाई जाती थी और हटाई जाती थी, और बाद में कहा जाता था कि स्टूडेंट्स डिड नॉट कम और इसलिए ये सीट्स जो है वो अब हम अपने डिस्क्रिप्शन पर उसको उपयोग कर रहे हैं। एक ये धंधा बन गया और एक बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट था, लंबे समय से यह सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। आपसे ज्यादा कौन बेहतर जानता होगा कि
ये किस तरीके ये लंबे समय से वहां पर लंबित रहा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसमें इनिशिएट किया कि वी शुड गो फॉरवर्ड एंड सुप्रीम कोर्ट ने उसमें वर्डिक दिया। ये विषय नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया इसलिए हम डिस्कशन नहीं कर सकते, करें जरूर करें, लेकिन हम परिस्थिति को समझ करके करें कि हम कहां से कितनी लंबी यात्रा करके आए हैं। और आज मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि आज देखिए नीट के कारण आपको हमारे नीट के आज 154 सिटीज में जो एग्जाम होते थे आज वो 571 सिटीज में एग्जाम होते हैं। देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 270%। उसी तरीके से एक ही शहर में जो सेंटर्स होते हैं उस सेंटर्स में पहले 2546 से हमने यात्रा शुरू की थी 2019 में, एंड टुडे द इंक्रीज इज 4750 सेंटर्स विच कम्स टू 86.6%। ये नीट का इंपैक्ट के कारण आज बच्चों को इसमें से उपयोगिता मिलने का काम हुआ है। दूसरी बात, हमारे तमिलनाडु में लोग कहते हैं हमारे गांव के स्टूडेंट छूट गए होंगे, हमारे गरीब परिवार के लोग छूट गए होंगे, ये सब एलिबाई मुझे मालूम है कि क्या 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 चीजों का उपयोग किया गया, बड़ा भारी अन्याय हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं सोशल कैटेगरी के दृष्टि से अगर हम देखें तो 2019 से 2024 तक में सोशल कैटेगरीज में से क्वालिफाइंग में लगभग 65% इंक्रीज हुआ। उनके 65% लोग जो हमारे सोशल कैटेगरी के जो विभिन्न वर्गों के आते हैं उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कैटेगरी में 102% का इंक्रीज हुआ है। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के स्टूडेंट्स आज नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से आ रहे हैं, एसटी 93.5% का इंक्रीज हुआ, एससी 78.8% का इंक्रीज हुआ है, और ओबीसी मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, ओबीसी कैटेगरी हमारी सरकार के दौरान जोड़ा गया, एम आई करेक्ट, ओबीसी अगेन पीपल क्लेम टू बी चैंपियंस ऑफ ओबीसी बट द रियल चैंपियन इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हुआ इसके पीछे, एंड ओबीसी का 65% रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है, 65% का रिप्रेजेंटेशन हुआ है। मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा जो हमको समझ लेना चाहिए कि मैं स्वास्थ्य मंत्री था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि आप रीजनल एस्पिरेशंस को एड्रेस करो और नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट में हम लोगों ने पहली बार मलयालम, तेलुगु, तमिल और कन्नड़ इसमें हमने एलिजिबिलिटी टेस्ट को शुरू किया। होड़ मच गई, सभी स्टेट से डिमांड आई और हमने किसी को मना नहीं किया, हमने कहा कोई और भी करना चाहे तो वो भी करे। आज 13 लैंग्वेजेस में, और इसका फायदा क्या हुआ है कि आज गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा आज मेडिकल एजुकेशन में आ रहा है, ये इसका फर्क पड़ा। मेडिकल एजुकेशन तो हैड बिकम ए प्रिविलेज, मेडिकल एजुकेशन में जाने का मतलब डॉक्टर बनने का मतलब तो ये है कि या तो तुम किसी इंग्लिश मिशनरी स्कूल से पढ़ करके आओ या पब्लिक स्कूल के पढ़े हुए प्रोडक्ट हो, और तब जाकर के उन बायोलॉजिकल नेम्स में इंग्लिश में एग्जाम होता था, वन लैंग्वेज में एग्जाम होता था। और अगर आप कहीं भगवान की दया से कोई बहुत ही मेधाव वाले आप मेधावशाली विद्यार्थी हुए तो आप कहीं कम्पीट कर गए तो कर गए, नहीं तो यह एक ही सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता था। आज 13 लैंग्वेजेस में मेडिकल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट के कारण आज केरल का
तमिल का, हमारे उड़ीसा का आदिवासी बच्चा, हमारे गुजरात का कोई आदिवासी बच्चा, हमारे कोई दूर दराज के इलाके महाराष्ट्र के गढ़चिरौली का बच्चा आज मेडिकल एजुकेशन में इसलिए आ रहा है कि अपनी भाषा में वो मेडिकल का एग्जामिनेशन दे रहा है। और इसने रीजनल एस्पिरेशंस को कवर करने का पूरा प्रयास किया है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहाँ एक बिंदु और बताना चाहूँगा कि आज जो 17 परफेक्ट स्कोरर्स हैं नीट यूजी में, वो केरला से आते हैं, वो उत्तर प्रदेश से आते हैं, वो बिहार से आते हैं, वो राजस्थान से आते हैं, वो तमिलनाडु से आते हैं, वो महाराष्ट्र से आते हैं, वो ममता दीदी के राज के वेस्ट बंगाल से आते हैं, वो पंजाब से आते हैं और चंडीगढ़ और दिल्ली से आते हैं। मैं इसलिए ये सारी कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भी देखिए, हमेशा हम अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं और कंफर्ट जोन में सभापति महोदय हमें ये परिस्थिति ऐसी पैदा हो जाती है कि वैसे ही रहते तो अच्छा था, लेकिन हम मोदी जी के राज में हैं, रिफॉर्म ट्रांसफॉर्म एंड परफॉर्म, तो इसलिए हम रिफॉर्म्स ला रहे हैं और वो रिफॉर्म्स किसी व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए। आज हमारा बच्चा कोई साउथ में दौड़ करके कोई कैपिटेशन फीस दे करके वहां नहीं पढ़ने जा रहा है। आज सारी की सारी काउंसलिंग डायरेक्टर जनरल फॉर हेल्थ सर्विसेज के माध्यम से यहां से होता है और हम तय करते हैं कि किस सीट पर जाकर के कौन किस गरीब का बच्चा कहां पढ़ेगा। इतना बड़ा रिफॉर्म, इतनी बड़ी परिवर्तन जिससे लाखों बच्चों का फायदा हो रहा है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री में हूं तो इसलिए यह बात जरूर कहना चाहूंगा, शरीर के अंदर कई किस्म की बीमारियां गाहे बगाहे लगते हैं। इट इज ऑल्सो एन गोइंग प्रोसेस। कभी हम एंटीबायोटिक ले लेते हैं, कभी हम इंजेक्शन ले लेते हैं, कभी हम थोड़ा सा छोटा सा ऑपरेशन करा लेते हैं, लेकिन शरीर को नहीं मार देते हैं। बीमारी के कारण शरीर नहीं मारा जाता। इसलिए नीट के अंदर और नीट के माध्यम से चलने वाले प्रोसेसेस में एनटीए के माध्यम से कुछ चीज आई, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि वी वुड लाइक टू नो द एक्सटेंट जो इसमें तकलीफ आई है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत बड़ा रोबस्ट सिस्टम है, ये बहुत बड़ा रोबस्ट सिस्टम है और ये रोबस्ट सिस्टम भारत के नौजवानों को मेडिकल एजुकेशन में लाने के लिए बहुत ही तरीके से तय किया गया सिस्टम है। और मैं इसके बारे में नहीं बोलना चाहता हूं, मैं ऐसी जनरल एक बात कहकर, पता नहीं हम लोगों को एक आदत हो गई है कि हम अपने द्वारा किए गए कार्यों के बारे में हमेशा ऐसा समझते हैं ये सेकेंड ग्रेड है और कोई अमेरिका कर दे, कोई ऑस्ट्रेलिया कर दे तो वो बड़ा फर्स्ट ग्रेड का हो जाता है। मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूं कि भारत के अंदर जितने भी सिस्टम प्रिवेल कर रहे हैं बड़े रोबस्ट सिस्टम है। 140 करोड़ की जनता को सिस्टमैटिकली चलाना ये आसान काम नहीं है। मुझे कोई देश बता दीजिए जिसका 70% से ज्यादा वैक्सीनेशन कोरोना का हुआ हो। ये भारत देश है जिसने 220 करोड़ डबल डोज लगा करके बच्चों को बचाया। कैसे हुआ ये? कहां गढ़चिरौली, कहां बस्तर का, छत्तीसगढ़ का बस्तर, कहां ले लद्दाख के, कहां कारगिल, कहां द्रास, कैसे कैसे करके एक एक और वो इंजेक्शन सभापति जी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में पहुंचा करके वैक्सीनेट किया गया है। उसी तरीके से ये नीट को हम अंडरमाइन ना करें। बड़ा रोबस्ट सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम है, गांव के लोगों को मेडिकल एजुकेशन में लाने का बहुत बड़ा माध्यम है और इसलिए इस रोबस्ट सिस्टम के बारे में हम जब चर्चा करें तो हम इसके बेसिक जो इसकी बुनियादी स्पिरिट थी और है उसको हम डैमेज ना पहुंचाएं। ये मेरा निवेदन है, यही मैं कहना चाहता हूं। मैं इंटरवीन किया, क्षमा करें, लेकिन मुझे लगा कि मैं फैक्ट्स को, रिकॉर्ड को स्ट्रेट करूं।